कश्मीर घाटी से आया एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आप दहल जाएंगे। इस वीडियो में सैकड़ों गोलियों की आवाज है, इतनी गोलियां चलती आपने शायद पहले कभी ना देखा हो। आप हैरत में पड़ जाएंगे ये सोचकर कि जहां इतनी गोलियां चल रही हो वहां रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आपको दिखा रहे हैं एक हमले का लाइव वीडियो। गोलियों की ऐसी गूंज कि कलेजा कांप जाए। ऐसी फायरिंग न देखी हो न सुनी हो। कितनी गोलियां चली बस सुनकर अंदाजा लगा लीजिए, गिनती की गुंजाइश नहीं। बताने की जरूरत नहीं कि हमला कितना बड़ा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से सब जाहिर हो रहा है। हमला किसने किया, क्यों किया, सब बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस हमले की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। एक नीले रंग की बस है बीच में रुकी हुई और उस पर दनादन फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। बस सवार कोई भी नीचे उतर नहीं सकता, गोलियां सीधा सीने को छलनी करेंगी। सिर्फ दो हमलावर थे लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी थी कि उनकी गोलियों से बस सवारों का बचना मुश्किल था। एक ने घर की छत की आड़ ली हुई थी तो दूसरा बस के पीछे एक टीले की आड़ से निकल आया था। इस वीडियो में एक हमलावर को तो आप साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूसरा हमलावर इस नीली बस के पीछे से फायरिंग कर रहा है, इसलिए वो कैमरे में नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी गोलियों की आवाज आप साफ साफ सुन सकते हैं। हमले के इस वीडियो को काफी दूर से किसी ने घर से छुप कर बनाया है, इसलिए हमला करने वालों का चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन गोलियां चलती नजर आ रही हैं। बस से गोलियों के टकराने के बाद उठता धुआं भी नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में आसपास के लोगों का क्या हाल वो इस वीडियो में कैद आवाज से समझा जा सकता है। ना ते وش پان ونی کرای تی ہا نایس و بیو بیت بون کو نتو ذرا سوچی کہ گھر سے محض چند قدموں کی دوری پر گولیوں کی آواز آ رہی ہو کیا حال ہوگا لوگوں کا ویڈیو میں قید آواز بتا رہی ہے کہ لوگ کس قدر بدحواس ہیں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے بیچ گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے ना ते وش پان ونی کرای تی हमले का ये लाइव वीडियो है। शनिवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ की बस पर हुए लश्कर के हमले का। लश्कर के दोनों आतंकियों ने जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की थी उसके निशान सीआरपीएफ की इस बस पर देखे जा सकते हैं। शीशे चकनाचूर हैं, टायर बस्ट हो चुके हैं और बस में चारों तरफ गोलियों के निशान हैं। लश्कर के हमले में देश ने 8 जवानों को खो दिया। ये उन्हीं 8 जवानों की तस्वीर है जो लश्कर के हमले में शहीद हो गए। कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद भारत सरकार ने काफी सख्त रवैया अख्तियार किया। गृहमंत्री रक्षा मंत्री ने इस हमले के बाद देश के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी। और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवानों से कहा कि उन्हें ट्रेनिंग शहीद होने की नहीं बल्कि दुश्मनों को मारने की दी जाती है। पहली गोली तो अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए लेकिन एक भी गोली यदि पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर अपनी गोलियों को काउंट भी नहीं किया जाना चाहिए। शहादत की मैं इज्जत करता हूं लेकिन आपको ट्रेन किया है वो शहादत के लिए नहीं, उसको भेजने के लिए ऊपर, उसको भेजो, आपका काम डबल पुण्य मिलेगा आपको शहादत से।